हाँ तो दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे, ये हम लोग वोल्वो 480 में आए हुए हैं और ये स्विंग डिवाइस का ट्रबल शूटिंग कर रहे हैं हम लोग। इसमें ट्रबल ये आ रहा है कि लेफ्ट साइड का जो स्विंग है वो हो नहीं रहा है, तो हम लोग उसी को देख रहे हैं, ट्रबल शूटिंग कर रहे हैं। ये आप देख रहे होंगे कि हम लोग मेन रिलीफ वाल्व जो है स्विंग का, उसको खोल रहे हैं और ये देख रहे होंगे कि ये अब खोला जा रहा है। ऑलरेडी हमने एक पहले से खोल रखा है, ये देखिए इसमें प्रॉब्लम है। एक्चुअली इसका जो ओरिंग है वो कट चुका है, आप देख रहे होंगे। और इसके खुलने के बाद आप लोग को दोनों दिखाएंगे कि दोनों का ओरिंग कट गया है या फिर एक का ही। हमारे साथ वीडियो पे बने रहे दोस्तों, और कृपया करके दोस्तों शेयर जरूर करें हमारे वीडियो को और कमेंट भी जरूर करें अगर किसी तरह का कुछ इशू हो तो। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट देखते रहिए। ये देख रहे होंगे, देखिए ओरिंग का क्या हालत हो चुका है। देखिए ओरिंग पूरी तरह से कट चुका है, देखिए बस मोकर मोड़ा देखिए। देखिए दोस्तों, आपको जूम करके दिखा रहे हैं कि इस तरह से ओरिंग जो है वो फट गया है, कट गया है। ये देखिए, इसके वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है, बट अब हम लोग इसमें ओरिंग लगा देंगे इसी के साइज का, जो भी ओरिंग है उसको लगाने के बाद देखेंगे। अभी एक जो है वो खुलने वाला है, अभी खुला नहीं है, थोड़ा सा वेट करना होगा। एक्चुअली क्या है, बहुत हीट भी है, मशीन पूरा हीट है, खोलने में थोड़ा परेशानी और प्रॉब्लम आ रही है। और ये देखिए दूसरा रिलीफ वाल्व खुल गया है, ये देखिए इसका भी ओरिंग दिखाई दे रहा होगा आप लोगों की, कटा हुआ है। उसके बाद दोस्तों आप देख रहे होंगे, हम लोग इसको रिमोट वाल्व कहते हैं, इसको भी खोल के एक बार चेक कर लेते हैं अगर किसी तरह का इसमें भी परेशानी दिक्कत हो तो। ठीक है ठीक है, ये देख रहे होंगे दोस्तों, इसको रिमोट वाल्व कहते हैं। एक्चुअली ये काम ये करता है कि अगर जिस तरह से हम लोग स्विंग करते हैं, स्विंग में कभी कभी क्या होता है, एक झटका सा महसूस होता है, जब राउंड होता है तो एक झटका रहता है, ये झटका को एब्जॉर्ब करके ब्रेक सिस्टम का जैसा ये काम करता है रिमोट वाल्व। तो ये दो होते हैं, तो ये दोनों को हम लोग खोलेंगे और खोल के इसे भी चेक कर लेंगे कि इसमें किसी तरह का कोई परेशानी तो नहीं है हम लोग में। तो देख रहे हो दोस्तों, दोनों तरफ से हम लोग थोड़ा जल्दी खोलने का प्रयास कर रहे हैं। और ये देखिए एक खोल चुका है, थोड़ा हीट है, ये देखिए इसमें कुछ होता नहीं, एक पॉपेट होता है, स्प्रिंग होता है, देख रहे होंगे पॉपेट और स्प्रिंग है। अगर ये फंस जाता है तो फिर प्रॉब्लम आता है, इंजीनियर है गाड़ी मत दो, बट ये ठीक ही है नॉर्मल। इसमें ओरिंग भी सही है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग इसको लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जो रिलीफ वाल्व है उसको भी अब हम लोग लगाने की कोशिश करेंगे, उसमें ओरिंग अभी लग रहा होगा। दोस्तों इसमें बल्बों में दो तरह का रिलीफ वाल्व दो होते हैं और रिमोट वाल्व भी दो होते हैं, आप देख रहे होंगे। देखिए इसको अच्छा से क्लीनिंग करके हम लोग फिर से लगा दे रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ दिक्कत परेशानी नहीं है, ट्रबल किसी तरह का ट्रबल नहीं है। अब हम लोग दोस्तों आगे चलिए, बढ़ते हैं और जो रिलीफ वाल्व है उसको लगाते हैं। ये देखिए अब रिलीफ वाल्व को अब लगाया जा रहा है, इसमें हम लोग ऑलरेडी नया ओरिंग न्यू जो है वो डाल दिए हैं,
और उसको टाइट करके फिर से देखेंगे। देखिए दोस्तों, लिली बाल को लगाया जा रहा है फिर से। कोयला मार बोलो आज से बेटा आया यहाँ पर हम लोग आसान में देखे ठीक जा रहा था, चले लेगा मोड़ जा रहा था, तभी वो फील्डवा ने वहाँ पे कैंपा पे तो वहाँ पे बच्चा लोग फुटबॉल खेल रहा था, मारा तो हाँ। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि अब ये लिली बाल तो पूरी तरह से टाइट हो गया है। अब हम लोग मशीन स्टार्ट करके इसको चेक करेंगे कि लेफ्ट साइड स्विंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। देख रहे होंगे दोस्तों मशीन आगे पीछे किया जा रहा है। अब ये हम लोग स्विंग करके देखेंगे, ये देखिए लेफ्ट साइड स्विंग हो गया है। और एक बार और हम लोग राइट साइड भी घुमा के देख लेंगे कि हो रहा है कि नहीं। ये देखिए पूरा अच्छी तरह से स्विंग हो रहा है, कहीं भी स्विंग फंस नहीं रहा। इसका मतलब हम लोग जो वर्क किए वो सक्सेसफुली डन हो गया। हाँ तो दोस्तों सब्सक्राइब कमेंट बेल आइकन जरूर दबाएं।